नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, देहरादून से, जहां पर राजधानी में पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर गांधी पार्क को खाली कराया है और धरने पर बैठे बेरोजगारों को लाठी चार्ज करके हटाया गया है। यूके पीएससी पेपर लीक मामले को लेकर ये युवा धरना दे रहे थे। घंटाघर के में भी धरने पर बैठे थे बेरोजगार युवा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, घंटाघर में भी धरने पर बैठे थे बेरोजगार युवा। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां राजधानी में अब पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और लाठी चार्ज करके वहां जो बेरोजगार युवा बैठे थे धरने पर, उनको हटाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाठी चार्ज की। धरने पर बैठे बेरोजगारों को लाठी चार्ज से हटाया गया है। तो यूके पीएससी पेपर लीक मामलों को लेकर के जो युवा हैं वो लगातार धरना दे रहे थे। कल रात भी धरने पर बैठे हुए थे, हालांकि पुलिस वहां पहुंची और जबरदस्ती इन युवाओं को वहां से हटाया गया। और आज सुबह से एक बार फिर से गांधी पार्क ये छात्र, ये इनकी मांग है यूके पीएससी को लेकर के उसकी सीबीआई जांच की जाए। तो यूके पीएससी पेपर लीक मामले को लेकर युवा जो है वो धरना दे रहे थे। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जी देखिए, पुलिस लाठीचार्ज पुलिस ने घंटाघर पर किया था ताकि मार्ग खोला जा सके, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी संख्या में पथराव हुआ है, तो पुलिस अब पत्थरबाजों को अरेस्ट कर रही है। यदि देखें तो एक युवा को जो इंस्पेक्टर प्रेमनगर है उन्होंने पकड़ा है, ये पत्थरबाजी कर रहे थे। इसके अलावा मैं एक नजारा दिखाऊंगा पीसी वैन का। ठीक है सुदीप, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत जुड़ गए हैं। हरीश जी, देखिए ये युवा प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, कल रात को भी धरना दिया, जिसके बाद में पुलिस वहां पहुंची, जबरदस्ती इन छात्रों को हटाया गया, इन युवाओं को हटाया गया, और अब एक बार फिर से धरना दे रहे थे जब छात्र और युवा, तो दोबारा से पुलिस की तरफ से वहां पर लाठीचार्ज किया गया है। शासन का रवैया बिल्कुल तानाशाही पूर्ण, निर्मम और अत्याचारी हो गया है। कल रात लड़कियों को उठाने के लिए रात को जो है मर्द पुलिस को भेजा गया और उनसे जबरदस्ती उनको गाड़ियों में ठूंसा गया, ऐसा कभी होता नहीं। और दूसरी बात, बच्चे हैं हमारे, क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं नौकरियों में भ्रष्टाचार रोको जी, और हमको निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था दो और नौकरियां जल्दी दो, यही तो मांग है उनकी। और आप उन पर लाठी भांज रहे, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और ये लाठी चार्ज के लिए नौजवानों से क्षमा मांगनी चाहिए जी। लेकिन हरीश जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो घोटाले हैं ये कांग्रेस के समय से आ रहे हैं, अभी के आज के नहीं है। एक बात मैं कहता, हम तो विपक्ष है ना जी, तो तुम तो पक्ष हो, तुम तो कर सकते हो, जब तुम कर दोगे तो समाधान कर दोगे, नौजवानों की मांग का मांग पूरी हो जाएगी, तो आप ही की जय जयकार करेंगे वो जी। तो कच्ची स्लेट हैं, क्यों लिखने दे रहे हो उन पर कांग्रेस को अपना नाम? आप अपना नाम लिखिए, लेकिन आप तो नकल के नकल के जो लोग हैं, नकल कराने वाले जो लोग हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं। भाजपा के लोग तो आ रहे हैं जो जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं नकल करवाने के, नकल माफिया के जी, सब भाजपा के लोग हैं, हाकम सिंह से लेकर के जो है अभी कोई धारीवाल करके निकला है, सब भाजपा के लोग हैं जी। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो यूके ट्रिपल एस में भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और सीधे तौर पर कहना है सरकार का कि इसमें भी जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। बड़े कच्चे केस बनाए गए उनके, उस दिन के लिए हल्ला गुला शांत करने के लिए केस दायर कर दिए गए, अब वो सब बाहर आ गए जी। तो अभी आगे, क्योंकि सरकार तो जांच कराने की मांग को अभी नहीं सुन रही, क्योंकि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पेपर कहां से लीक हो रहे हैं। वो बच्चे ठीक कह रहे हैं, सीबीआई की जांच कर दो ना, तुम्हारी तो सीबीआई है, और हम तो कह रहे हैं हाईकोर्ट की देखरेख में सीबीआई की जांच कर दो जी। और
जब तक एक बार सारा सिस्टम क्लीन नहीं हो जाता, परीक्षाएं रोको, गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि वो हमेशा युवाओं के साथ हैं, युवाओं के साथ खड़े हुए, उनके भविष्य के साथ खड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन वो बात तो कहते हैं, मगर कैसे खड़े हैं? राखियां बच करके, जेल भेज करके। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी। और इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी जुड़ गए हैं। कापड़ी साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, उत्तराखंड में देहरादून में ये छात्र जो हैं, जो युवा हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे यूके पीएससी को लेकर के, और उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में जो पेपर लीक हुआ है।